जोधपुर के गोविंद नगर विधानसभा में अब पेयजल समस्या से लोगों को निजात मिल जाएगी। इसके साथ ही सड़क पर घूमने वाले गौवंशों को गौशाला तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रहेगी। आपको बता दें कि विधायक सुरेंद्र मिथानी ने इस संबंध में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लखनऊ स्थित कैंप कार्यालय में जाकर भेंट की। उन्हें मांग पत्र सौंप कर गौवंशों के लिए एम्बुलेंस और आम लोगों के लिए पेयजल पहुँचाने के लिए 2 ट्रैक्टर मुहैया कराने की मांग की। इसे डिप्टी सीएम ने स्वीकृति दे दी है। विधायक ने कहा कि गोविंद नगर विधानसभा में पेयजल का भीषण संकट रहता है। जन सुविधा में पेयजल आपूर्ति के लिए स्टील के पेयजल टैंकरों को जल कल विभाग को दिए गए, लेकिन जनता तक उन्हें पहुंचाने को विभाग के पास ट्रैक्टर का अभाव है। इससे पेयजल संकट पर आम नागरिकों को उनके मोहल्ले में पानी पहुंचाने के लिए टैंकर की व्यवस्था में बाधा आती है। इसलिए विधायक ने अपनी विधायक निधि से 2 ट्रैक्टर मुहैया कराने की मांग की। वहीं डिप्टी सीएम ने दोनों मांगों पर प्रस्ताव मांगा है। मैथानी ने कहा कि गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में 2 बड़ी गौशाला है। क्षेत्र में सब्जी फल आदि छोटे बड़े तमाम फुटकर बाजार भी है, जहाँ अक्सर छुट्टा गौवंश बड़ी संख्या में भोजन आदि की तलाश में घूमते रहते हैं और अक्सर सड़क पर घायल होकर पड़े रहते हैं। उन्हें उठाकर गौशाला तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि इसलिए 2 एम्बुलेंस की उपलब्धता भी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।